वेल uh, well, आपके इंस्टाग्राम पे हमने देखा जैसे आप बोल रहे हो आपके गर्लफ्रेंड बीच में काफी वक्त से कुछ आप पोस्ट बहुत कम डाल रहे हो रील्स कम डाल रहे हो लोग आपके फैंस जानना चाहते कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब बहुत कम किया और कल के पोस्ट के बाद तो और ज्यादा जो आपके नीचे कैप्शन लिखे थे क्या था वो लाइक सच बताऊँ ना मैं अभी मैं मेरे बिजनेस में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ लाइक मुझे जो एक चाहिए था फैन फॉलोइंग जो एक बेस बनाना था वो बना चुका हूँ मैं अब मैं बिजनेस में फोकस कर रहा हूँ लाइक लिटरली जो मैं सोशल मीडिया पे आया था वो था कि अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए बिकॉज उस टाइम पे पैसे मैं डैड से लेना नहीं चाहता था और मैं नहीं चाहता था क्योंकि एक बैड बॉय की इमेज थी लड़कियों में बहुत ज़्यादा नाम खराब था मेरा लाइक like, लिटरली मेरे घर पर आ जाती थी लड़कियाँ कोई नस काट रही है कोई कूदने का धम कूदने की धमकी दे रही है ये सब बहुत चीज़ें हुई थी तो मेरे डैड मुझे उस टाइम पर लाइक नहीं करते थे बोलते थे बिगड़ गया हुआ है तो उस टाइम पर मैं नहीं चाहता था कि डैड मुझे सपोर्ट करे और मैं

हाँ वो तो सच मैं कभी टेक्स्ट नहीं करता हूँ जल्दी ना मैं कॉल पे इतना बात करता हूँ ये मेरी आदत बहुत खराब है अच्छी नहीं पता ना मैं जल्दी व्हाट्सअप पे उसे चैट किया कभी ना कॉल पे इतना बात क्या ये मन ही नहीं करता है मेरा पहले से ही है इसलिए लड़कियों में फ्रेंडशिप मेरी बहुत कम है नहीं पर गर्लफ्रेंड है पोस्ट का तो सा, साथ में रहती ना मेरे अच्छा इसके हाँ साथ में रहता इंस्टाग्राम पे तो मैंने देखा आप ही दिख रहे हो सिर्फ मेरा ये था कि मैं इतना कपल गोल्स नहीं खेलना चाहता हूँ सच है बट जोया के कहने पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ डालता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नज़र लगती है चीज़ें खराब होती है बिकॉज yes, yes, जोया जोया को काफ़ी सारे मैसेजेस मेस, आए थे कुछ लड़कियों के कुछ लड़कों के मेरे बारे में गलत गलत चीज़ें आई थी तो मैं सोचा था कि थोड़ा इसको दूरी ही रखूँ सोशल मीडिया से मेरे से दूर रखूँ थोड़ा बट वो चाहती थी कि मैं मुझे वो, वो चाहती थी कि मेरा अकाउंट कपल्स में ज़्यादा बढ़ता है तो वो चाहती कि तू बना हम ग्रो करेंगे तुम ग्रो करो ऐसा सपोर्टिव है बस ओके okay. वेल uh, well, जब आप किसी और के कि साथ पोस्ट करते हो तो उन्हें बुरा नहीं लगता अब बुरा तो हर हर किसी को लगेगा देख तो मतलब मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि क्या रीज़न है जो पोस्ट कम हो गए ये क्या मतलब आपका ब्रेकअप हो गया क्योंकि लोगों के दिमाग में यही सब चीजें तो ये क्या है आ, लड़कियों का ऐसा था कि मुझे बनाना अच्छा लगता है लड़कियों के साथ और दूसरी चीज़ मैं बोला ना जोयाब बहुत सपोर्टिव है उसको भरोसा है मेरे पे और लिटरली मैं बहुत शाई बनता लड़कियों लड़कियों में मैं इतना बात भी नहीं करता लाइक शूट किए निकल गए बस वैसा कुछ ऐसा फ्लटिंग ये वो कभी मैं सीखा भी नहीं ना मुझे आया फ्लटिंग करना तो जोया को ये भरोसा है मेरे पे और वो चाहती कि मैं ग्रो करूँ उसका बस एक ही कि तुम ग्रो करो कुछ भी करो तुम ग्रो करो बस उसका यही है तो अलाउ करती है मुझे और ऐसा कुछ काम भी नहीं करता कि जिससे उसको हर्ट हो तो और पोस्टिंग कम किया कि मैं थोड़ा वो मतलब बिजनेस में लगा लगाऊँ और इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ा बॉडी शॉडी वापस से बना रहा हूँ और इसके बाद करूँगा मैं पोस्टिंग वापस से अभी प्रॉपरली मैं फ़ैशन वीडियोस ही बनाऊँगा